हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में। बायोमेट्रिक सिस्टम कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं, बेसिकली आपको मालूम होगा। तो सिंपली आज बात करते हैं कि हमारे पास एक ZKT इको का डिवाइस है जो एडमिन पासवर्ड लॉक है, जिसे आज कैसे हम रिसेट करें। तो रिसेट करने का बहुत सारा मेथड है। बहुत सारे डिवाइसों में रिसेट बटन होते हैं और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हम रिसेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो एक ये डिवाइस है जो आप देख रहे हैं, तो इसमें रिसेट बटन है जो काम नहीं कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर करना चाहें तो इसके लिए मुझे सेम मॉडल का फ्रेमवेयर या इसका जो भी रिसेट पासवर्ड है और इसका जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो मिलना मुश्किल है। तो मेरे पास एक ऐप है ZKT ओपन, जिसके थ्रू ZKT का जो भी डिवाइस है, जितने भी डिवाइसेस है, सभी को हम अनलॉक कर सकते हैं। तो और इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक बार इसको कोशिश करता हूँ कोई भी पासवर्ड देके, 1 2 3, बट इन्हें खुला। मैं मेनू में जाता हूँ और मेनू में जाने के बाद भी फिर भी मैं एक पासवर्ड देता हूँ 1 2 3 4, फिर भी ये नहीं खुलता है। तो क्या करें? तो मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन खुला नहीं। तो मेरे पास एक ऐप है, चलिए उस ऐप पे चलते हैं। तो मैं अभी अपने ऐप को ओपन करता हूँ। तो इस ऐप के थ्रू हम बेसिक बहुत ही इजीली एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करेंगे और उस टेम्परेरी पासवर्ड के थ्रू हम इसके मेनू को ओपन कर लेंगे। तो ये मेरा टैब है और ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये ओपन ZKT का ऐप है। तो इसी ऐप के थ्रू हम एक टेम्परेरी पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम का टाइमिंग चाहिए। तो ये टाइमिंग फ़िलहाल आप देख रहे हैं 43 हो गया अभी, 0943। तो सेम ये टाइमिंग मुझे यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पे जर डालूँगा 0943 और हम यहाँ से सेकेंड वाले ऑप्शन से हम यहाँ टेम्प्रेरी पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो ये देखिए हमारा एक पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो इसी टेम्प्रेरी कोड के थ्रू हम मेनू को में एंट्री करेंगे और यूज़र एडमिन को डिलीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेनू में जाते हैं। मेनू में जाने के लिए हमें सबसे पहले मेनू बटन प्रेस करने के बाद हमें 4888 4 x 8 को प्रेस करेंगे और ओके, और हमें ये टेम्प्रेरी पासवर्ड को डालना है 8201111 36। ओके, तो ये देखिए हमारा मेनू ओपन हो चुका है। तो अभी आप देखें कि बिना पासवर्ड को हम इसे मेनू को ओपन कर दिया। तो ये टेम्प्रेरी पासवर्ड है, कुछ समय के लिए है। तो जल्द से जल्द हमें ये यूज़र मैनेजमेंट को डिलीट करना है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि मैं मेन मेन्यू में हूँ। तो सबसे पहले हमें यूज़र मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ पर आपको ऑल यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, हाँ अभी फिलहाल ठीक है। तो ऑल यूज़र में जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे एक यूज़र मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा, आप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक फिंगरप्रिंट और की का साइन है, और एक इस साइड में आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में आपको एक यूज़र का साइन बना हुआ है जो रेड कलर का है। तो रेड कलर का मतलब यही है मेन यूज़र एडमिन, ठीक है। इसी एडमिन को हमें डिलीट करना है। और भी अगर आपको मिलता है ऐसा तो वो वाइट कलर का होगा। वाइट कलर का मतलब वो नॉर्मली यूज़र्स हैं, वो एडमिन नहीं है। तो हमें रेड कलर का जो यूज़र एडमिन है उसे ही डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमें
इसे डिलीट में ऑप्शन चलेंगे और यहाँ पर हम डिलीट रोल को डिलीट करेंगे। तो ये फिलहाल डिलीट हो चुका है और इसे हम बैक करते हैं। तो बैक करने के बाद हम फिर से एक बार मेन्यू में जाने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये मेन्यू में गए, आप देख सकते हैं कि मेन्यू और डायरेक्टली ओपन हो गया, कोई भी पासवर्ड रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर से मैं मेन्यू में जाता हूँ, देखिए विदाउट पासवर्ड मैं डायरेक्टली मेन्यू में गया क्योंकि यूज़र एडमिन जो है एडमिन का पासवर्ड हमने रिसेट कर दिया है। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसे ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी ऐसा डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो एक बार मैं इसे ऑफ करके ऑन करके देखता हूँ कि ये फिर से पासवर्ड मांग रही है नहीं मांगती है। तो मैं इसे ऑफ कर दिया और इसे ऑन करता हूँ। थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं, ऑन होने के बाद इसे फिर से मेन्यू में जाएंगे और देखते हैं ये फिर से पासवर्ड मांगती है या नहीं। फिलहाल ये ऑन हो चुका है और हम चलते हैं मेन्यू में। तो ये देखिए अब डायरेक्टली मेन्यू ओपन हो चुका है। तो हमारे यूज़र एडमिन जो है वो डिलीट हो चुका है और पासवर्ड जो है वो रिसेट हो चुका है। तो जो भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट डेटा है या अटेंडेंस है वो सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो पे। थैंक यू, सेफ़ रहें और दूसरे को भी सेफ़ रखें। जय।